हेलो नमस्ते, आ गई है अपनी विंटर स्पेशल मेथी थाली। तो थाली में अपने मेथी आलू की सब्ज़ी, मलाई मेथी की सब्ज़ी, मसाला मेथी पूरी और मूंग दाल का हलवा। ये मैंने लिए अच्छे से साफ़ करके मेथी, हाफ़ केजी के लगभग ये मेथी है। इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। इस टाइम मार्केट में बहुत अच्छी मेथी फ्रेश आ रही है। इसको चाकू की हेल्प से रफली कट कर लिया है इस तरीके से। अब इस मेथी की बनाएंगे बहुत सारी रेसिपी आज अपनी थाली में। ये लगाएंगे मसाला मेथी पूड़ी का आटा। तो ये लिया है मैंने 1 कटोरी भर के मक्के का आटा। ये लिया है मैंने 2 कटोरी भर के गेहूं का आटा। 1 कटोरी आ चुकी है और ये रही अपनी दूसरी 1 कटोरी। एक ही कटोरी का नाप रखना है, बदलना नहीं है हर चीज़ में कटोरियों को। उसी कटोरी को भर करके मैंने ये मेथी ली हुई है पूरी फुल, वो भी इसमें डाल देंगे। ये लिए मैंने 1/2 कटोरी पोहे। इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसको भी अपने आटे में मिक्स करेंगे। ऑप्शनल है, अगर घर में ना हो आपकी किचन में तो मत डालिए। ये मैंने लिए 1/2 कटोरी मैदा। ये लिए मैंने 2 छोटे टुकड़े हैं अदरक के। इनको बारीक कर लेंगे और अपने आटे में मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये मैंने लिया 1 चम्मच भर के ऑयल, बड़ा चम्मच है उसको भर के लिए। ये लिए मैंने 2 चम्मच भर के बेसन। ये लिए मैंने 1/2 स्पून नमक, 1/2 स्पून अजवाइन, 2 चुटकी हींग, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून धनिया पाउडर। ये लिया है मैंने पानी। पूड़ी का आटा लगाना है इसलिए टाइट हो, ये थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को मिक्स करते जाएंगे पानी में। एकदम से सारा पानी नहीं डाल देना कि अपना आटा गीला हो जाए। धीरे धीरे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को। अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे से इसको आटे में मिक्स कर देंगे। पानी को धीरे धीरे से लगा के सेट करते जाएंगे इस टाइप से। टाइट आटा लगाना है अपना। धीरे धीरे से मसलते जाएंगे इसको 15 से 20 मिनट के लिए। इसको ढक करके छोड़ देंगे जिससे कि अपना आटा अच्छे से सेट हो जाए। अब बनाएंगे मेथी आलू की सब्जी। उसके लिए मैंने 1 ये बड़ा प्याज लिया है, 2 मिर्च लिए और 2 बड़े ये आलू लिए, अपनी बारीक कटी हुई जो रफली चॉप की थी मेथी लिए। इन 3 चीज़ों को कट कर लिया है।
मिर्च को, प्याज को और आलू को कढ़ाई लिए। इसमें मैंने ये 2 चम्मच भर के इस टाइप से ऑयल लिया है, हाफ स्पून जीरा, हाफ स्पून राई, दो चुटकी हींग, अब डालेंगे इसमें अपना कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च गोल्डन होने तक ऑयल में फ्राई करेंगे इनको। इसमें आलू भी डाल देंगे ऑयल में, जो कि अच्छे से थोड़ी फ्राई हो जाए ऑयल के, जिससे कि और भी अच्छा इनमें टेस्ट आ जाए। अब इसमें डालेंगे मेथी, इसमें डालेंगे मसाले, हाफ स्पून हल्दी, वन स्पून रेड चिली पाउडर, वन स्पून धनिया पाउडर, वन स्पून सॉल्ट, आपका जैसा टेस्ट हो वैसे सॉल्ट का यूज कर सकते हैं। इन सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देंगे, जिससे कि आलू और मेथी गल जाए। हम इनको चेक करेंगे थोड़ी देर बाद। आलू अपने गल गए हैं, क्योंकि ऑयल में भी पहले फ्राई हो गए थे, जिससे कि सब्जी अपनी जल्दी बनकर रेडी हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही डाल दिए थे उसमें। और आलू भी थोड़े छोटे पीसेस में काटें, जिससे कि वो जल्दी गल जाएं। अब बनाएंगे मलाई मेथी की सब्जी। उसके लिए दो मैंने लिए टमाटर, 2 बड़े प्याज और 2 हरी मिर्च। ये खोल करके थोड़ी देर पकाएंगे, जिससे कि इसका मॉइस्चर कम हो जाए सब्जी का। इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच भर के ऑयल कढ़ाई में। अब इसमें डाल दिए हैं 2 तेज पत्ते, हाफ स्पून खड़ा धनिया, एक लौंग, 8 से 10 काली मिर्च डाल दिए। ये लिए मैंने 1 बड़ी इलायची को अच्छे से कूट देंगे थोड़ा सा, इसके सीड्स बाहर आ जाए। अब इसको डालेंगे ऑयल में। पांच से छह काजू लिए मैंने, इनको फ्राई कर दिया है ऑयल में सब मसालों को और काजू को। अब इसमें डालेंगे 2 इलायची छोटी वाली। अब डाल दिया है अपना प्याज, हरी मिर्च, थोड़ी देर इसको ऑयल में भुनने देंगे प्याज को।
अब इसमें डालेंगे टमाटर, थोड़ा सा नमक भी डालेंगे इसमें जिससे कि टमाटर गल जाए। अब इसका बनाएंगे मलाई मेथी की ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इस सारी चीज़ों को मिक्सर में पीसेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी भी डालेंगे जिससे कि अच्छे से पेस्ट पीसने में आ जाए। थोड़ी सी अपनी जो एक कटोरी मेथी है उसको गला लेंगे कढ़ाई में, जिससे कि सब्जी में ठीक रहे, नहीं तो खड़ी खड़ी नज़र आएगी। इसमें ऑयल कुछ भी नहीं डालना, डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिए जैसे कि इस टाइप से हो जाएगी। इसको साइड में कटोरी में निकाल लेंगे। अब इसमें डाल दिए 2 बड़े चम्मच ऑयल। ये अपनी ग्रेवी रेडी हो गई है पीस के। डाल दिया मैंने 1/2 स्पून जीरा। इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग। इसमें डाल दिए मैंने मेथी, थोड़ी ऑयल में फ्राई हो जाए। अब इसमें डालेंगे मसाले, 1/2 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 स्पून जो ग्रेवी रेडी की थी वो डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे इसमें 2 चुटकी दालचीनी पाउडर। हाफ स्पून नमक, बॉईल होने तक पकाएंगे अच्छे से। डाल दिया मैंने 1/2 स्पून गरम मसाला। जब तक इसमें अच्छे से बबल्स ना उठने लगे तब तक इसको पकने देना है। देखो आने लगे हैं धीरे धीरे से। अब इसमें मैंने डाल दी ताजी 2 चम्मच भर के मलाई। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको भी थोड़ी देर पकने देंगे। अब बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। मैंने 1 चम्मच भर के देसी घी डाल दिया है। दो चम्मच भर के इसमें डालेंगे मूंग दाल का पिसा हुआ आटा।
एक चम्मच हो गया, ये आ गई अपनी दूसरी बड़ी चम्मच। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे कढ़ाई में। धीरे धीरे से इसको चलाते रहना है, लगे ना, जिससे कि मैंने 5 से 6 केसर की ली हुई है वो डाल दी है इसमें। ये मैंने पानी बॉईल कर लिया है, बॉईल पानी डाला है इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी को इसमें। 2 चम्मच बड़े भर के चीनी डालिए इसमें। ये मार्केट वाला नारियल का बुरादा है वो इसमें मैंने 2 चम्मच भर के डाला है। इसमें मैंने डाली थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स में चिरौंजी और पिस्ता। लग गई है अपनी थाली। अब इसमें आ चुका है अपना हलवा। हलवे को डेकोरेट करेंगे, थोड़ा सा नारियल लगाएंगे ऊपर, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। चिरौंजी और पिस्ता डाल दिया मैंने। अब आएगी अपनी मलाई, मेथी की सब्जी। और आ गए अपने मेथी आलू की सब्जी। अब बनेंगी अपनी गरम गरम मेथी मसाला पूड़ियाँ। डेकोरेट के लिए इसमें कोरिएंडर लीफ का यूज़ नहीं है, क्योंकि ये अपनी मेथी थाली है विंटर स्पेशल, तो इसमें मेथी लीव्स का यूज़ किया है। अभी अपना आटे को सेट कर लेंगे अच्छे से, धीरे धीरे से। हल्के हाथों से मसल के रेडी कर लेना है इसको। पूरी का आटा है थोड़ा टाइट है इसलिए। थोड़ा सा आटा लेंगे, इसमें ऑयल लगाएंगे, तब इसको बेलेंगे। थोड़ा सा ऑयल बेलन पे भी लगाएंगे, जिससे कि अपना आटा इसमें चिपके ना। हल्के हाथ से धीरे धीरे बेलेंगे। इस टाइप से एक और पूड़ी बेलेंगे। थोड़ा सा आटा लिया है मैंने, इसमें कढ़ाई से थोड़ा सा ऑयल लेंगे। हल्के हाथ से बेल लेंगे इस टाइप से। ऑयल अपना गरम हो गया है कढ़ाई में, पूड़ी भी बिल गई है। पूड़ी को सेकेंगे। धीरे धीरे से ऑयल में करेंगे। पूड़ी फूलेगी नहीं क्योंकि इसमें मेथी पड़ी हुई है,
वो इसे फूलने नहीं देगी। हल्के हाथ से करते जाएंगे इस टाइप से ऑयल में। इस टाइप से पूड़ी अपनी सिक कर रेडी हो गई है। अब लगाएंगे थाली में। आपको हमारे इस वीडियो में जो भी चीज़ पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रेडी हो गई अपनी विंटर स्पेशल मेथी थाली। नमस्ते।